सभी का स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। देश देश की बात होती है, किस तरह देश को चलाया जा रहा है। संविधान तो हर देश में बनाए जाते हैं और संविधान वैसा ही होता है जो नागरिकों के हक में हो, लेकिन वहां का प्रशासन किस तरह कार्य कर रहा है, क्या पार्टी के सभी लोग एक ही विचारधारा के हैं या फिर विचारधारा मैच नहीं भी हो रही हैं, समान नहीं भी, दोनों समान नहीं है विचारधाराएं, तो क्या उस पर विरोध हो सकता है। भारत में आपने ऐसा नहीं देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कह दें तो वही गृह मंत्री भी कहेंगे, बाकी अन्य नीचे नेताओं में मनोज तिवारी तक आ जाइए उसी बात की पुनरावृत्ति करते हुए लगातार नजर आएंगे आपको। लेकिन मौजूदा समय में आपने देखा है अमेरिका के हालात, डोनाल्ड ट्रंप एक बंकर में जाकर छुप गए हैं, जिस समय उन्हें सामने आकर जनता से बात करनी चाहिए थी उस वक्त सामने निकलकर कुछ और ही लोग आ रहे हैं, वही जैसे कि इस वक्त भारत में चल रहा है, हालात बिल्कुल एक जैसे होते जा रहे हैं। अब वह जाकर बंकर में छुप जाते हैं और आदेश देते हैं कि सेना को उतार दिया जाएगा और फेसबुक में वह एक पोस्ट भी करते हैं कि उन पर गोली भी चलाई जाएगी। तो रक्षा मंत्री हैं मार्क एस्पर, उन्होंने इस ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है, कहा है सेना भले ही उतारी जाएगी लेकिन शहर के अंदर नहीं जाएगी, बाहर रहेगी, गोलियां बिल्कुल नहीं चलाई जाएंगी। इससे पहले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी ट्रंप को लेकर यह कहा था यदि कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो ना बोलें ट्रंप। दो दो बार उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, यही हालात भारत में भी हैं। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हालात कुछ भी हों लेकिन भारत और अमेरिका के हालात अभी भी अलग हैं। वहां पर एक मंत्री अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल सकता है यदि वह कोई गलत फैसला ले रहा है, गलत बयानी कर रहा है तो, लेकिन भारत में आपको ऐसा देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि इस तरह की परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कह देते हैं, आप देख रहे हैं किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राम माधव भी और भी अन्य नेता हैं, जो लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर थोपते हुए नजर आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जो हमने 4 घंटे का समय दिया था उस नियम में कोई खामी नहीं थी बल्कि वह नियम बिल्कुल सही है, यह कहा जा रहा है। अर्थव्यवस्था भी ऊंची उठाए जाने की बात कही जा रही है, अमेरिका से भी मिसाल दे रहे हैं इस दौरान कई पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उस संबंध में भी कार्यक्रम अवश्य करूंगा मैं। तो यहां पर आप बताएं कि क्या भारत के मंत्रियों में, प्रशासन में इतनी ताकत है कि वह अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर सकें, और यदि वह नहीं करते हैं तो उसका कारण क्या है, इसका कारण आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।